नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 3DS Max ट्यूटोरियल के नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ रोटेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मान लो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, तो मान लो आपके पास एक बॉक्स है। अगर मैं ये बॉक्स बनाता हूँ, अब अगर इसे रोटेट करना है तो रोटेट के लिए यहाँ पे एक कमांड है रोटेट, और शॉर्टकट की है ई। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए शॉर्टकट की है क्यू, मूव के लिए शॉर्टकट की है डब्ल्यू, और नेक्स्ट है रोटेट। रोटेट के लिए शॉर्टकट की है आपका ई। आप रोटेट पे क्लिक करें। अब देखो रोटेशन क्या भी आपका एक गिज़मो आएगा, जैसे मूव का गिज़मो था, मूव का पाइवट था, इसका भी एक गिज़मो आएगा जो आपका बिल्कुल सेंटर और बॉटम में आएगा बाय डिफॉल्ट। इसी के अकॉर्डिंग आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। रोटेट करने के लिए वही एक्सिस के अकॉर्डिंग आपका रोटेट रहेगा कि आपको एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट करना है। देखो ये जेड की, जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट करना है। जेड आपकी स्ट्रेट है तो आप जेड के अराउंड इसे रोटेट कर सकते हैं। अगर आपको एक्स के अराउंड रोटेट करना है तो आप एक्स के अराउंड रोटेट कर सकते हैं। देखो ये आपकी एक्स एक्सिस है और इसके अराउंड आप रोटेट कर सकते हैं। वाई के अराउंड करना है तो वाई के अराउंड आप रोटेट कर सकते हैं। डायरेक्शन आप कितनी भी दे सकते हैं, या फिर यहाँ से आप डाल सकते हो। अगर आप सेंटर से पकड़ते हो तो आप तीनों डायरेक्शन में कहीं पे भी रोटेशन आप इसको डाल सकते हो। क्लियर है? यही रोटेशन आप यहाँ से भी दे सकते हो, जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे। एक्स की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हो, वाई की वैल्यू को या जेड की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। और अगर मैं चाहूँ कि मेरे को ये वाला ऑब्जेक्ट सेम पोजिशन पर चाहिए जैसा ये स्टार्टिंग में था, तो आप रोटेशन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको ज़ीरो कर सकते हो, तो आपकी रोटेशन सेम पोजीशन में आ जाएगी जैसे आपका स्टार्टिंग में था। एक चीज़ का ध्यान रखें, मूव कमांड में आपने तीनों वैल्यू को ज़ीरो किया था तो वो बिल्कुल सेंटर में आ गया था, बट रोटेट कमांड में आप ज़ीरो करते हो तो वो वहीं पे है, बट इसकी रोटेशन को ज़ीरो किया है। ध्यान रहे, मूव कमांड के कोऑर्डिनेट अलग होंगे, स्केल के अलग होंगे, उसके रोटेट के आपके अलग होंगे। अगर मैं मूव कमांड सेलेक्ट करता हूँ तो इसके कोऑर्डिनेट ये वाले हैं। अगर मैं अब इसकी वैल्यू को ज़ीरो करता हूँ तो वो मूव होके आपका सेंटर में आएगा। बट अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और अगर आप इसे रोटेट कर रहे हो, तो रोटेट करने के बाद ये जो कोऑर्डिनेट है अब ये रोटेट के हैं, बट अगर मैं मूव के कोऑर्डिनेट देखूँ तो मूव के कोऑर्डिनेट ये वाले हैं, एक्स वाई ये वाले। इसको अगर मैं ज़ीरो करता हूँ तो सेम पोजिशन में आपका सेंटर में तो आ जाएगा, बट वो सीधा नहीं होगा जैसे वो पहले से था। तो उसके लिए अगर मैं रोटेट कमांड पर जाऊँ तो इसके कोऑर्डिनेट को आपको ज़ीरो करना होगा, तो उसकी रोटेशन आपकी ऐसे आएगी। क्लियर दोस्तों? तो या फिर रोटेट कमांड को आप राइट क्लिक करके यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, इस पर क्लिक करें और यहाँ से भी आप रोटेशन डाल सकते हैं। ज़ीरो वैल्यू करेंगे तो आपका यहाँ से ज़ीरो आ जाएगा, या फिर एडिट पे जाके यहाँ पे है आपका रोटेट, यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट आपका ई प्रेस करके भी आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं, या फिर कितनी आपको रोटेशन चाहिए तो आप यहाँ पे वैल्यू भी डाल सकते हो कि वाई एक्सिस में मुझे 90 डिग्री पे रोटेशन चाहिए, तो आपका 90 डिग्री वो रोटेट हो जाएगा। आप यहाँ से वैल्यू भी डाल सकते हो, 180 डिग्री करोगे तो 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा। क्लियर है? ज़ीरो करोगे 0 डिग्री आपका रोटेट हो जाएगा। तो ऐसे आप रोटेट कमांड को यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। सो आशा करता हूँ आपको रोटेट अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।